मध्य प्रदेश भाजपा के निर्देशानुसार छतरपुर के नौगांव में भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रवीण मिश्रा के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ का पुतला फूंका। इसके साथ जमकर नारेबाजी भी की है। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रवीण मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ ने यूपीए सरकार में वाणिज्य मंत्री रहते हुए चीनी माल के आयात शुल्क में कटौती कर भारतीय व्यापार को चौपट करने का अपराध किया है, जिसके कारण नौगांव भाजपा मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ का पुतला दहन किया। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और पूर्व वाणिज्य मंत्री कमलनाथ जी ने, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब ये वाणिज्य मंत्री थे, उस समय इन्होंने राहुल गांधी के साथ में अगस्त 2008 में इन्होंने एक सचिन के साथ समझौता किया था कि जो कुटीर उद्योग हैं उन कुटीर उद्योगों का भारत से अलग करना, क्योंकि छोटे छोटे मजदूर जो घर में जो अपना कुटीर उद्योग चलाते थे, लघु उद्योग चलाते थे, उनसे चीन का इनका समझौता हुआ कि हम आपकी सामग्री भारत में पहुंचाएंगे, और इस वजह से उन्होंने चीन को आयकर में छूट देने की बात कही, जिससे चीन का जो कर है वो भारत की अपेक्षा बहुत कम लगता रहा, इसीलिए भारत में सबसे ज़्यादा चीनी सामग्री का विक्रय होने लगा।